शासकीय हाई स्कूल पिपलिया रसोड़ा विकासखंड नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ में खेल युवा कल्याण विभाग शिक्षा विभाग एवं पुलिस विभाग के माध्यम से शर्मिला डावर उपसंचालक महोदय इसमें छात्राओं से चर्चा भी की गई और उनके विचारों को सुनकर उनका सम्मान भी किया गया। साथ ही छात्राओं की सुरक्षा के लिए जन शिक्षक इंद्रेश देवाकर ने सुझाव दिए जिससे सामाजिक अत्याचार से बच सके और उनका भलीभांति सामना कर सके। साथ ही बिना डर और भय के 100 लगाओ और पुलिस बुलाओ के लिए JC वर्मा ने प्रेरित भी किया है। बालिकाओं की आत्म सुरक्षा के लिए हंसा सक्सेना व सीमा गुर्जर अमित भनेरिया ने प्रेरित किया है। इस आयोजन में विद्यालय परिवार के संस्था प्राचार्य BL पाटोदिया, मनोज कुमार तिवारी, पी भंडारी, साजिद कुरेशी, महेश सिसोदिया, राजेंद्र शर्मा, अर्चना गुदेनिया, वसंती वर्मा, अनुषा पाटीदार, किरण यादव, हंसा सक्सेना आदि ने आयोजन में अपनी सहभागिता दी। कोई बहलाता है, घुमला जाए, मतलब लोग गालन दे के आकर के घुमरा करता है बच्चों को, तो कोई किसी के बैकग्राउंड में ना है। अगर ऐसे में भी हालत बनते हैं तो आप अपना 100% पुलिस को सूचना दें या अपने संबंधित टीचर को या कोई बड़े पेरेंट्स से उनको जानकारी दें जिससे कि आप किसी बड़ी दुर्घटना से बच सके। ये उद्देश्य पुलिस का शिक्षा विभाग और खेल कल्याण विभाग की तरफ से ये योजना चलिए पूरे जिले में आज के परिवेश में जो एक कदम उठा जा रहा है उसके पीछे ये है कि महिला सशक्तिकरण, दूसरा महिला अत्याचार में कमी। आज आप दिन पे दिन पेपर न्यूज पढ़ रहे होंगे, कहीं पे उसके साथ ऐसा, कहीं पे उसके साथ ऐसा, कहीं पे उसके साथ धोखा, कहीं पे इसके साथ धोखा। तो सरकार ने भी एक एक्ट तैयार किया है, उस एक्ट का नाम है पॉक्सो एक्ट, है ना। पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत ये है कि हम परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं या कहीं बाहर यात्रा करते हैं या अध्ययन के लिए जाते हैं या कॉलेज जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, तो कोई भी XYZ चाहे हमारे रिश्तेदार हों, चाहे हमारे सगे हों या कोई दूसरे अदर हों, अगर हमारे साथ हमको ऐसा लगता है कि उनकी आंखों में कहीं गलत दृष्टि डल रही है या उनके विचार मन में विचार गलत आ रहा है, गलत विचार से हमसे चर्चा कर रहे हैं या हमारे साथ कोई साजिश की संरचना ऐसे कर रहे हैं या कोई ऐसा कोई धोखाधड़ी वाला मामला हमारे साथ आ रहा है और हम कभी कभी हमारे साथ ऐसी घटना घट जाती है, तो उस घटना को हमें कभी भी चुपचाप सहन नहीं करना है। उस घटना का विवरण तुरंत या तो हमारे पेरेंट्स को बताएं, टीचर्स को बताएं या जिसके पे भी आप ज्यादा भरोसा करते हैं, या फिर सबसे अच्छी बात है 100 डायल करके पुलिस को बताएं। लेकिन कभी भी कोई घटना या उसमें घटना करने वाला XYZ कोई भी हो सकता है, हम कभी भी ये ना सोचे कि ये हमारा है। अभी आज आपने अगर देखा हो तो उत्तर प्रदेश का एक लड़के और लड़की ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। फांसी लगाने के पीछे कारण है कि एक तो चाचा था और एक भतीजी थी, दोनों आपस में प्यार करते थे और दोनों शादी करना चाहते थे। परिवार में एक ही परिवार के व्यक्ति ये नहीं चाहता है कि चाचा भतीजी की शादी हो, और उनको मना किया, दोनों ने जाकर के आत्महत्या कर ली। तो ऐसी घटनाएं बहुत होती है। इन घटनाओं से बचने के लिए हमें अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए हमको अपने आप को एक कदम उठाना होगा, सावधान रहना होगा, सतर्क रहना होगा। तो हम कहीं भी घर से बाहर निकले, एक कदम आगे रखने के बाद तुरंत हमारे मन में विचार और सामने वाले का चेहरा पढ़ना, उसके व्यवहार को पढ़ना, उसके विचारों को पढ़ना, उसकी बातों को पढ़ना। और कभी भी कोई कितना ही प्रलोभन आपको दे, कोई भी कितना ही भी आपको कुछ बताने की कोशिश करें, लेकिन पहले आप अपने दिमाग के अंदर की फिल्म चलाइए और उसको सोचिए परिणाम क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। बस 5 मिनट खड़े रहो अगर बेगर।
वॉइस ऑफ राइट्स के लिए राजगढ़ से नाजनीन अल्ताफ की रिपोर्ट।